डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शीत सैनिकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए कोतवाली पुलिस के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सदर कोतवाली में दर्ज फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 0137/2021 धारा 323, 324, 504, 506 अनुसूचित जाति अधिनियम को निरस्त करने व अशोक यादव पर जानलेवा हमला करने वाले सचिन दिवाकर व उसके साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा गया कि श्रीमती लक्ष्मी देवी का मकान हड़पने के उद्देश्य से उसके पांचों पुत्रों पर घर के सामने कटरा पुरंजाट पर रहने वाले सचिन गुप्ता पत्नी स्वर्गीय राकेश गुप्ता व सचिन दिवाकर पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र ने विगत लगभग 15 वर्षों से थाना कोतवाली पुलिस से हमसाज होकर कई फर्जी मुकदमे लगवाए हैं। सभी मुकदमों में श्रीमती लक्ष्मी देवी के पांचों पुत्रों को माननीय न्यायालय से बरी कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ पुलिस द्वारा मामले की जांच भी कराई गई, जिसमें सभी मुकदमे फर्जी पाए गए। अतः शिवसैनिक यह मांग करता है कि कोतवाली पुलिस के इस कृत्य को जांच के दायरे में रखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, नहीं तो शिवसैनिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से ठाकुर मंजू राठौर, अंकित ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, प्रमोद सागर, राम अवतार सागर, कुशल सिंह, ठाकुर ब्रजेश, सोनू प्रजापति, मोहित ठाकुर, टीटू कश्यप, डॉक्टर प्रकाश बिश्नोई, विजय सेठ, राधेश्याम सैनी, राहुल सागर, राहुल सक्सेना, सीमा प्रजापति, बबीता सैनी, अंजलि चंद्रा, पूजा सैनी, राकेश कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रामेश्वर दयाल तुरेहा जिला प्रमुख, आज के संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है, किसके खिलाफ किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी SSP कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी SSP महोदय को प्रेरित ज्ञापन थाना कोतवाली में दर्ज फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 133/2021 धारा 323, 324, 504, 506 अनुसूचित जाति अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं, तथा अशोक यादव पर हमला करने वाले सचिन दिवाकर व उसके साथियों के विरुद्ध तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यादव की सचिन दिवाकर विगत 15 वर्षों से अशोक यादव व उसके भाइयों पर फर्जी मुकदमा लगातार लगवा रहा है, तथा पुलिस भी सचिन दिवाकर से हमसाज होकर जमानतीय धाराओं में जेल भेज देती है। कौन से क्षेत्र का मामला है? कंजरी सराय कटरा पुरंजाट। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि सचिन दिवाकर है वो SCF का मुकदमा लगाता है और अशोक यादव का मकान हड़पना चाहता है, इस वजह से वो 15 साल से लगातार फर्जी मुकदमे लगवा रहा, एक दर्जन से अधिक फर्जी मुकदमे लगवा चुका है। किस थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है? सदर कोतवाली सचिन दिवाकर से हमसाज है और वह अशोक यादव और उसके भाइयों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर देती है, तथा जमानतीय धाराओं में भी जेल होगी। शिवसेना क्या मांग करती है? शिवसेना मांग करती है अगर 3 दिन के अंदर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और फर्जी मुकदमा निरस्त नहीं हुआ तो IG कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।